मुझे ऐसा लग रहा है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवान है। हम तो जेलस हैं, हम क्रिकेट कवर करते हैं। नहीं, क्रिकेट की शादी नहीं, इंडिया पाकिस्तान है, वर्ल्ड कप फाइनल है। आप भूलिए, हमने यहाँ पे 2015 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, अनफॉर्चुनेट है। मतलब आपको एक हकीकत बताता हूँ, और ये अपना चुभना शुरू हो गया है। बहुत से हमारे पाकिस्तानी दोस्त यहाँ हमारे साथ हैं, और वहां पर भी मैं आपको बताऊँ, अगर 5,000-7,000 पाकिस्तानी फैंस थे, वो जो मीट एंड ग्रीट ऊपर स्टेज पे दोनों टीमों को बुलाया गया, फैंस ने तालियां बजाई, तकरीबन हर कोई ऐसा था जो स्पोर्ट्स तक देखता है, आज तक देखता है, स्पोर्ट्स टुडे देखता है, हर किसी ने बड़ा प्यार दिया। लेकिन हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, आपकी टीम कैसे हारी। एंड इट इज नाउ वेरी एम्बेरसिंग। मुझे मतलब अब एम्बेरसमेंट सी होने लगती है निखिल, की 5,000-7,000 लोगों को, हर किसी को बताना यार ऐसा हुआ वैसा हुआ, एंड देन दे सिंपथाइज की जी हम चाहते थे इंडिया पाकिस्तान का फाइनल होता, आपकी टीम नहीं आ पाई, मायूसी है। इट इज एम्बेरसिंग नाउ कि हम लोग भी आते हैं टूर्नामेंट में, ख्वाब लेके आते हैं, फिर टीम वापस चली जाती है, हम फाइनल किसी और का कवर करते हैं। एक्चुअली मैं बताऊँ, दिल में मेरा पीस है, मेरे दिल में तो पीस है। आप मुझे भी, मर्जी करें, मुझे भी है। मैं तो आपको पता, मैंने आपको कह दिया था मेरी तो टिकट करा दे वापस, मतलब देखिए एक चीज है ना कि यार एक आधी बार हो गया, बार बार हो गया, कैसे कैसे बार बार एक ही चीज एक ही टीम के साथ होती है। आपने 14 का फाइनल खेला, आपने 16 का सेमीफाइनल खेला, आप 21 में पहले, नहीं मैं 2020 पे आ रहा हूँ, 21 में आप पहले दौर में आउट हो गए, इसमें आप सेमीफाइनल, उसके बाद आपने 15 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल यहाँ पे हारा, मतलब सिडनी में हारा, मतलब ऑस्ट्रेलिया में, 17 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में गए, और कहा आपने वानसारी जीतना था, वानसारी हार गए, 19 वर्ल्ड कप बहुत अच्छी टीम लेकर गए सेमीफाइनल, ट्रक लगा चलो बाहर। तो ये बार बार क्यों होता है एक ही टीम के साथ, ये तो